आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले कि JUIFA के सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि हमारी जमात की ख्वाहिश है कि मौलाना फजलुर रहमान को सदर पाकिस्तान बनाया जाए। इत्तेहादी जमातों का इस बारे में जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। ये कहना था मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का जब वो कलात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि साबका हुक्मरानों ने इक्तदार में आने के बावजूद अपोजिशन का किरदार अदा किया। इनका कहना था कि साबका हुकूमत का कोई वीयन नहीं था, इसने अवाम से कई वादे किए जो पूरे नहीं किए, इसने हमारे दोस्त ममालिक को भी नाराज किया। इलामाजी मजीद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि इमरान खान से कानून और जमहूरी तरीके से निबटने के लिए तैयार है। अफसोस कुछ नादान अब भी PTI की तर्जमानी कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि इलेक्शन असलाहत के बाद मुल्क में आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, मईशत बेहतर करके हमें इलेक्शन की तरफ जाना है। सेक्रेटरी जनरल JUIFA का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। ये अहम डेवलपमेंट सामने आई जब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने अपनी जमात का एक बयानिया सामने रखा, क्योंकि इस बयानिये को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि वो मौलाना फजल रहमान को पाकिस्तान के अगले सदर के तौर पर वो देखना चाह रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल पार्टी की भी राय है कि वो सदारत के लिए असफल जरदारी या फरियाल तारपुर को नामजद करें, लेकिन देखते हैं कि आगे किसका नाम अभी सदारत के लिए सामने आता है। इस तरह की मजीद वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।